कांजी वो कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे इसको याद करना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके सारे बेसिक जो स्टेप्स है वो बताने जा रहा हूँ। आपने अभी तक काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे और किसी भी YouTube पे क्या कहीं पर भी किसी भी टीचर ने इस मैथड को आज तक बताया नहीं, जिस मैथड को मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो हमेशा एक मिस्टेक, कॉमनली एक मिस्टेक करते हैं, वो ये कि आप ग्रामर पर फोकस देते हैं, वोकैबलरी और जापानीज में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिसनिंग और दोकाई, इन सब पर फोकस करते हैं, लेकिन कांजी पर आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपके इस कन्फ्यूजन को मैं आज की इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ। क्योंकि एक ऐसा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा मैथड बता रहा हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया, उस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये मैथड जानने के बाद आप कांजी को जो है ना, वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कांजियाँ जो आपने एक्चुअल कांजी देखी है किताब के अंदर लिखी हुई हैं, इन कांजियों को बनाया एक्चुअल किस इमेज के बिहाव पर इनको बनाया गया है, ये ट्रिक जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसी कांजियाँ बताऊंगा जिन कांजी को पढ़ने के बाद आप चाह करके भी इन कांजी को कभी नहीं बुला सकते, ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ छोटी सी, कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करी तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी कांजी पढ़ रहे हो उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक कांजी लिख रहा हूं अभी, तो अभी मैंने एक कांजी आपके सामने लिखी है, ठीक है, आई होप कि आपको ये दिख रही होगी क्लियरली। तो इस कांजी का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं जैसे कि वीक डे की कांजी। वीक डे मतलब जो वीक डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे मंडे ट्यूसडे, उसकी कांजी है ये, ठीक है। अब इस कांजी को हमें याद कैसे करना है, ये वाली कांजी जो ये बनी है ये किस इमेज से लेके बनी गई है, बनाई गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस इमेज से बनी है। तो देखो सबसे पहली चीज, ये किस चीज की कांजी है, आगे वाली कांजी जो है ये सन की कांजी है। सन की कांजी से क्या बनाया है, इसको इस तरीके से बनाया है, ठीक है, सिंपली ये सन की कांजी से बनी हुई है। सन को एक इन्होंने इमेज के तौर पे लिया इसको एज ए हिंट और फिर उसके बाद इसको बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये ऊपर जो यो, इस टाइप के काताकाना का जो यो आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं उसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नीचे वाली कांजी बताए। तो बेसिकली ये वाला जो जो यहाँ पे ये जो बनाए गए हैं ना, ये कांजी नीचे की, ये बेसिकली बर्ड को इंडिकेट करने के लिए बनाया है। कैसे, सपोज मान लो कोई भी बर्ड है वो कुछ इस शेप में होता है ना, कुछ इस टाइप की शेप में, और उसमें जो है फिर कुछ इस तरीके से उसके विंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये लगभग उस विंग्स को, जो ये वाली निशान है ना, ये इस विंग्स को शो करते हैं। यानी कि अब इसको समझना, इसमें स्टोरी इन्होंने क्या क्रिएट करी। अब जापान में क्या होता है, एवरीडे, ये इस कांजी का पर्पज ये है कि जो हफ्ते में जो वीक डे होते हैं ना, हर वीक डे में जब भी दिन होता है, दिन की शुरुआत होती है, तो दिन की शुरुआत जो है पक्षी की चहचहाट के साथ होती है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो जब भी सुबह सुबह होती है तो वहां पर पक्षी, मतलब हमेशा कहीं पर भी चले जाओ वहां पर पक्षी चहचहा रहे होते हैं। तो ये तो होगी बर्ड की कांजी, ये होगी दिन की कांजी। अब ये यो की कांजी का सेंस क्या है, देखो हिंदी में तो बोलते हैं चहचहाना, ठीक है, इंग्लिश में चिरपिंग, और जापानीज में बोलते हैं पियो 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 पियो, ठीक है, मैं बता देता हूं लिख के, जापानीज में बोलते हैं पियो पियो, जिसका मतलब होता है चहचहाना, ठीक है। तो कहने का मतलब कांजी की अब पूरी अगर हम मीनिंग निकाले तो क्या बनती है कि वीक डेज में यानी कि दिन में पक्षी जो होते हैं वो चहचहाते हैं। तो जब ये तीन चीज मिलके बनेंगी ना, तो ये यो की कांजी बन जाती है वीक डे की। अब ये यो जो है, निची यो भी में यो आ रहा है, गेत्सु यो भी में यो आ रहा है, कायो भी में यो आ रहा है, ये जितने भी यो है सब में यही कांजी बनेगी। अब इनके स्टॉक ऑर्डर्स बता देता हूं मैं क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले आप इस तरीके से बनाओगे, इची पहला स्ट्रेट लाइन आपको नीचे करनी है, इची नी सान
और शी, ये आपका शी हो गया, ठीक है। इसके बाद गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, जुइची, जूनी, जूसान, जुयोन, जुगो, जुरोकू, जुनाना, जुहाची, ठीक है। तो स्टॉक ऑर्डर्स की बात करें तो 18 स्टॉक ऑर्डर्स इसके अंदर हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कुनियोमी और उनियोमी की। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही है, वो है यो, ठीक है। ये वाली चीज तो जो कि ओनियोमी है। समझ में आई मैंने कांजी क्या समझाई? जो की कांजी बताई, किस तरीके से बनी कांजी, ये मैंने आपको समझाया। सिंपल सी चीज थी, दिन की कांजी, एवरीडे जो है, वीकडेज, जितने भी वीकडेज हैं, तो प्रत्येक दिन जो है सुबह सुबह क्या है, पक्षी चहचहाता है जब भी मॉर्निंग होती है। तो ये उसके चहचहाने के लिए, ये पक्षी और उसके ऊपर चहचहाने की आवाज को हमने लगा करके ये वीकडे की कांजी बना दी। समझ में आया? इसी तरीके से हम करते हैं, इसी तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा, इस ट्रिक से समझने में कितना टाइम लगा? इंस्टेड ऑफ कि आप रट्टे मारो, ये मेरे हिसाब से काफी सही तरीका है, ठीक है। ओनियोमी इसकी है यो, 18 स्टॉक ऑर्डर्स हैं, कांजी एरी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट तरीका है आपको याद रखने का, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी कांजी पे। इसके बाद जो दूसरी कांजी आती है वो है आपकी किस चीज की कांजी है? तो ये कांजी है आपकी बुक की। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो आपके सामने कैरेक्टर आ रहा है कांजी का, वो है क्या। पहले तो आपको ये पता लगाना है, बुक और दूसरी बेस की कांजी है। इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये बुक और बेस की कांजी ऐसी क्यों बनी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है इसके पीछे। देखो, आपने की कांजी पढ़ी होगी, पेड़ की कांजी पढ़ी है ना, सिंपल पेड़ से बना है। तो इसी तरीके से बता रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगर आप देखोगे इसे इस तरीके से, तो आपको ये शो करेगा कुछ इस तरीके की चीज, लाइक आपको लगेगा कि जैसे कि ये एक ट्री की ही कांजी है। तो ये वाला जो पार्ट है आपको ऑलमोस्ट जो हमने की कांजी में पढ़ा था, की कांजी की तरह ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली कांजी कैसे बनी। तो सपोज आप ये मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है। सपोज ये एक आपका हो गया ट्री। अब इस ट्री की जो रूट्स हैं वो इस तरीके से जमीन के अंदर हैं। सपोज मान लो ये जमीन है, इस जमीन के नीचे जो है इसकी रूट्स जो है वो जा रही है, ठीक है। तो यहीं से इस वाली कांजी को लिया है, यानी कि बेसिकली कहा जाए यहां पर मैंने ये रूट्स इसकी जो ये ब्रांचेस ले ली, ठीक है, और ये एक ट्री हो गया। अब इसकी जो रूट्स है वो नीचे जा रही है यहां पर जमीन के अंदर। तो कहने का मतलब ये हो गया, कांजी का जो ये हमने बनाई है कांजी, किस कैरेक्टर से, किस इमेज से बनाई है, कि जो ये पेड़ है, इस पेड़ की जो रूट्स है ना, उसको यहाँ पर हम इस एरो से मार्क करते हैं, इस एरो से, ठीक है। तो जहां पर हम ये एरो से मार्क करेंगे वहीं पर इसका बेस हो जाता है, वहीं पर इसका क्या है, आधार हो जाता है, ठीक है। तो ये कांजी जो है वो इसकी, इस कांजी की इमेज जो इस तरीके से ली गई है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको कुनियोमी ओनियोमी क्या है, तो बताता हूँ। तो कुनियोमी है इसकी हॉर्न, पॉन भी है, बॉन भी है और मोतो, ये है इसकी कुनियोमी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके स्टॉक ऑर्डर किस तरीके से बनते हैं, वो बता देता हूं। तो इची सबसे पहले, फिर नी, थोड़ा लंबा आएगा, स्ट्रेट रखना आपको, इची नी, देन सान, शी या योन, एंड देन गो। तो ये सिंपल सी कांजी होती है मोतो की, हॉन, बॉन या पॉन। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट कांजी की तरफ। नेक्स्ट कांजी तो बहुत ज्यादा इजी है, ये मुझे इसके लिए बताने की जरूरत है नहीं, तो ये आपको देख करके पता चल जाएगी किस चीज की कांजी। ये वाली कांजी देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ये किसी पर्सन की कांजी है, राइट। तो आप कुछ इस तरीके समझ लीजिए कि भाई एक कोई पर्सन है,
कोई पर्सन है जो कि अपनी टांगे हैं जो है दोनों तरफ फैला के खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होगी आपकी सिंपल सी पर्सन की कांजी। अब इसको बोलते क्या क्या है हम, तो ये तो हो गया एक तो हितो, फिर जिन और निन। बहुत सिंपल सी कांजी है पर्सन की, सिंपल सी वन। स्टॉक ऑर्डर की बात करें तो इची एंड देन नी, तो वन एंड देन टू, टू स्टॉक ऑर्डर में ये कांजी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कांजी पे, नंबर फोन नंबर की कांजी पे। तो ये है अभी किस चीज की कांजी है, तो मैं आपको बताऊं ये कांजी है नाउ की, यानी कि अभी की कांजी। अभी कांजी क्या सोच के बनाई गई, क्या इमेजिनेशन ली गई, तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे की स्टोरी। देखिए स्टोरी ये है कि सपोज मेरे से किसी ने पूछा कि अभी तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है। तो मैं उसे क्या रिप्लाई दूंगा कि मैं अपने घर में इस वक्त। अब देखो इसकी जो शेप है वो किस तरीके से, ऊपर जो हट होती है ना उसकी शेप में, ठीक है। तो मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ गाना गा रहा हूं, और गाना क्या है, रा 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 रा, मैं ये गाना गा रहा हूँ रा 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 करके, मतलब रा रा करके ला 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 ला, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में ला 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 ला, तो इस तरीके से मैं गाना गा रहा हूँ ला 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 ला। और आपको पता है कि ला शब्द जो है वो जापानीज में होता नहीं है, तो मीन्स रा 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 रा, इसलिए मैंने कहा कि मैं रा 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 करके जो है वो गाना गा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन ही पूछा गया था कि अभी क्या कर रहा है, तो मैंने कहा मैं अभी अपने घर में रा 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 करके गाना गा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी यही इसी स्टोरी से ले लिया गया है इस कांजी को बनाने का तरीका। अब बताता हूँ आपको उसके स्टॉक ऑर्डर, लेकिन उससे पहले आप फिर से देख लो कि मैंने स्टोरी क्या ली थी, कि भाई मैं अभी अपने घर के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं रा 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 करके गाना गा रहा हूँ, क्योंकि नाव की कांजी थी अभी की कांजी थी, तो इसलिए मैंने ये स्टोरी लगाई। अब इसके स्टॉक ऑर्डर देख लेते हैं जरा क्या है, तो इची नी सान एंड देन शी यौन, यानी कि यौन इसमें स्टॉक ऑर्डर में खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा से नीचे आ गए, तो जैसे इची नी सान एंड देन शी, ये प्रॉपर वे है, ठीक है। चार स्टॉक ऑर्डर में ये कांजी कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके जो इसको बोलते क्या प्रोनाउंस क्या करते हैं कुनियोमी, तो वो है आपकी इमा कौन और कीन, यानी कि इतने सारे वर्ड इस पर्टिकुलर कांजी के लिए यूज हो रहे हैं। इसका मतलब इमा आपने यूज किया होगा, कौन जैसे कोंगेत्सु कोंशु, ठीक है, एंड कीन, कीन में भी यूज होता है ये वाला टर्म, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कांजी की तरफ। अब ये किस चीज की कांजी है, तो ये कांजी है आपकी टेम्पल की। भाई कांजी का मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कांजी का मतलब इसी तरीके से आपको याद रखना है। अब टेम्पल की कांजी है ये कांजी, देख करके अगर मैं आपसे कहूँ आप इसे पढ़ो तो आप क्या करोगे, आप रट्टे मारोगे, सिंपल सी से लिखोगे, कई कई बार लिख के देखोगे, तो लिखना नहीं है। अब स्टोरी समझ लो कि ये कांजी बनी कैसे, ठीक है। ये स्टोरी समझने के बाद अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले जो जापान में, स्पेशली जापान की हम बात कर रहे हैं, जापान में जो पहले टेम्पल हुआ करते थे ना, वो कुछ मैं उसी की शेप ले रहा हूं, कुछ इस टाइप का टेम्पल हुआ करता था जापान में पहले, ठीक है। इमेज बना रहा हूं, थोड़ी सही सी नहीं बनी बट आप समझने की कोशिश करना। क्या बताया गया है इस इमेज के थ्रू, तो देखो सबसे ऊपर हमने ये जो इमेज बनाई है ये वाला हिस्सा, ये बेसिकली सूची लैंड की कांजी होती है, सॉइल की जैसे हम बोल सकते हैं सॉइल की कांजी है, करीब वैसे लैंड की कांजी होती है वाली। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि देयर इज ए टेम्पल, उंगली से जो ये इशारा है पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं उंगली से कि वहां पर एक टेम्पल है। तो ये वाली जो कांजी होती है ना ये वाली, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये एक प्रकार से एक तरीके का सिंबल है पॉइंट आउट करने का, ठीक है। कई बार क्या होता है जो हम स्टोरी लेके चलते हैं ना, वो कांजी ये चीज कई जगह यूज होगी कांजी में और भी, तो अगर आप इसे अभी यहां समझ लेते ना कि इसे पॉइंट आउट का मतलब है, तो आई थिंक ये आगे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कहने का मतलब ये कांजी इशारा कर रही है इस जमीन की तरफ, लैंड की तरफ, मतलब कहने का कि देयर इज ए टेम्पल, वहां पर एक मंदिर है,
समझ में आई चीज मैंने क्या बताने बताने की यहाँ पे कोशिश करी है कि वहां पर एक टेम्पल है, तो इसी की वजह से यहाँ पर इस कांजी को इस तरीके से कंसिडर किया है हमने। अब इसके स्ट्रोक जो ऑर्डर है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले इची, देन नी, देन सान, देन योन। ऑलमोस्ट इसके ऊपर वाले के ऑलमोस्ट बराबर, थोड़ा सा छोटा रखना है आपको, देन गो एंड देन रोकू। ठीक है, तो सिक्स स्ट्रोक ऑर्डर में ये कांजी बन जाती है। अब इसकी जो कुनियोमी है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो इसकी कुनियोमी है जी 13 और 13। कुनियोमी ओनियोमी जो है इसकी वो कुछ इस तरीके से है। तो आपने ओतेरा सुना होगा, ओतेरा का मतलब टेम्पल होता है, ठीक है, डेरा भी बोलते हैं कई बार इसे, और जी भी यूज होता है। तो ये सब चीज है ना, ये कुनियोमी ये भी आपको याद करनी है साथी के साथ। अब देखो ये थोड़ा सा रटने वाली चीज है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, कांजी की मैंने ट्रिक बता दी है, इस तरीके से होगी। ठीक है, अब लास्ट कांजी की तरफ और चलते हैं फटाफट से। किस चीज की कांजी है, समझ में आई कांजी? ये कांजी है टाइम की। टाइम की कांजी है, ठीक है। अब ये कांजी किस तरीके से बनी है मैं आपको बताता हूं। तो इस वाली कांजी के लिए हम ऑलरेडी सबसे पहले कांजी बताई थी मैंने, क्या बताया था, ये किस चीज को कंसिडर करके बनाया जाती है, सन को। सन का मतलब दिन, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया दिन की कांजी, ठीक है। और इसके बाद हमने जस्ट अभी 13 पढ़ी थी, यानी कि मंदिर की कांजी। तो क्या सेंस लगाया है यहाँ पे सूरज का और मंदिर का? तो देखो मैं आपको उसके पीछे की एक स्टोरी बताऊं, छोटे की छोटी सी स्टोरी, सॉरी छोटी की बोल रहा हूँ, छोटी छोटी सी स्टोरी है कि पहले के जमाने में, इन ओल्ड डेज, पुराने जमाने में, यानी कि पुराने दिनों में, अब पुराने समय की बात आ रही तो दिन तो आ ही रहा है ना, तो इसलिए तो पहले तो दिन की कांजी आ गई। पुराने समय में लोग टाइम कैसे देखते थे? देखो तीनों चीजों को यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे कांजी का मीनिंग भी बता दिया, कांजी को याद भी करके दिखा दिया, कांजी याद कैसे रखनी है आपको। पुराने समय में लोग टाइम कैसे पता लगाते थे, मंदिर में जितनी बार घंटी बजती थी ना, मंदिर में बैल बजती थी, उससे अंदाजा लगा लेते थे कि इतना टाइम हो रहा होगा। सुबह आरती होती है, 6 बजे बजती थी घंटी, लोगों को पता चलता था सुबह 6 बज गए, ठीक है। शाम को आरती होती है, 6 बजे पता चल गई। तो जस्ट फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि पुराने जमाने में जो लोग थे ना, वो टाइम इसी तरीके से पता लगाते थे, एक कहानी के तौर पर। तो इन ओल्ड डेज के लिए हमने ये वाली कांजी ले ली, ठीक है। और फिर टाइम का पता कैसे लगाते थे, मंदिर में बजने वाली बैल घंटी से, तो मंदिर की कांजी आ गई। तो इन दोनों को कंबाइन करके बना है यहाँ पर आपकी टाइम की कांजी। समझ में आ गया? मैं इसके स्टॉक ऑर्डर आपको बता देता हूँ। तो इसके स्टॉक ऑर्डर कुछ इस तरीके से हैं, इची, नी, सान, शी, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू एंड देन जू। यानी कि 10 स्ट्रोक ऑर्डर में ये कांजी बनकर तैयार हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुनियोमी और उनियोमी के बारे में। तो इसकी कुनियोमी उनियोमी जो है वो है आपकी जी एंड टोकी। इन दोनों वर्ड्स के लिए हम ये वाली कांजी यूज करते हैं। सो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताना चाहता था, जो कन्वे करना चाहता था, वो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब जो मैंने आपको 6 कांजीज पढ़ाई है ना, अगर आपको समझ में आई है तो जरूरी से कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताना कि सेंसे हाँ मुझे समझ में आ गई, ठीक है। अगर नहीं आई है तो फिर कुछ बात ही नहीं, अगर आपको इसके बावजूद भी समझ में नहीं आई है तो भाई इसके अलावा और कोई सिंपल मेथड है ही नहीं, अब वो आप जानोगे आप कैसे करोगे, ठीक है। बाकी जिनको आ गई है वो फटाफट से मुझे अपना जवाब जरूर देना कि हाँ मुझे आ गई, मुझे याद हो गई। और अब आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरीके से कंस्टेंटली 5-5-6-6 कांजी जो है बताऊंगा विद स्टोरी कि वो कांजी किस तरीके से बनी है, ठीक है। और एक तरीके से हेल्प भी रहेगी कि आप अपनी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनके पास टाइम नहीं होता कांजी पढ़े कैसे किस तरीके से पढ़े, तो कोशिश करूंगा मैं आपको जल्दी जल्दी 1 या 2 डे के गैप में कि मैं आपको ये 5-5 कांजी लाते रहूं। तो आप कहीं पर भी हो आप आराम से इन वीडियो को देख करके अपनी कांजी की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना देखो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी जापनीज जो सीखना चाह रहा है वो जापनीज सीख सके।
ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग।